अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएफएमएस पर हमको वेंडर्स कैसे अपलोड करने हैं, बल्क अपलोड, या अगर आपके पास दो या तीन हैं या सिंगल सिंगल करना है तो वो आसान है, लेकिन अगर आपको बल्क में करने हैं तो वो कैसे अपलोड करने हैं। तो आपने मास्टर्स में जाना है, मास्टर्स के बाद आपके पास यहाँ पे वेंडर्स आएगा। वेंडर्स में यहाँ पे ऐड न्यू या फिर अपलोड वेंडर्स डाटा। अब यहाँ पे आपको बल्क में जब करना हो तो बल्क वाला ऑप्शन मैंने खोला। अगर हम सिंगल सिंगल अगर हमने करना हो तो सिंगल सिंगल के लिए हम ऐड न्यू करेंगे। तो ऐड न्यू के लिए ये आपके पास कॉलम्स खुले, इनमें आपने यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है टाइप, नाम वगैरह जो कुछ भी है ये डालना है आपने, ऐसे करके बैंक अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ से सेव कर देना है। ये सिंगल सिंगल अगर आपने चढ़ाना है। तो अगर आपने बल्क में चढ़ाना है तो बल्क के लिए आपको जाना है मास्टर्स में, मास्टर में वेंडर्स, वेंडर्स के बाद यहाँ पे अपलोड वेंडर्स डाटा में जाना है, और अपलोड वेंडर्स डाटा में आपने टम्पलेट सबसे पहले डाउनलोड करना है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे चूज करनी होगी फाइल, ठीक है, लेकिन पहले उससे पहले टम्पलेट डाउनलोड करना है। यहाँ से टम्पलेट को डाउनलोड करेंगे, ये टम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल में, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है, ओपन करने का एक्सेल में खुलेगा, और ये है इनकी डिटेल्स जो हमने यहाँ पे फिलअप करनी है, ठीक है। इसमें जो रेड में कॉलम्स दिए गए हैं, रेड में ये जो है मैंडेटरी हैं, ये आपने भरने ही भरने हैं, मैंडेटरी हैं ये। जैसे आपका एड्रेस, वन सिटी, कंट्री, ठीक है, ये बिल्कुल मैंडेटरी हैं, बाकी तो आपने भरना ही भरना है, लेकिन ये वाले बिल्कुल मैंडेटरी हैं आपके, ठीक है। इसमें हम शुरू करता हूँ, मैं यहाँ पे डाटा डाल देता हूँ, मुझे दो तीन बंदों का चढ़ाना है, मैं उनका डाटा यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे एक बात और बता दूँ मैं, एक तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाली शीट भी है, यहाँ पे भी आपको दिया गया है कि कौन सा आपका मैंडेटरी है वगैरह, लेकिन आपने भरने सारे ही हैं, भरने यहाँ से सारे हैं। और इसमें एक चीज आपने ध्यान रखना है, जो ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस है ये भी मैंडेटरी है, आपको ईमेल एड्रेस भी डालना है। ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे डालना है, और अगर आपके पास, बाय द वे, आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप nomail@gmail.com करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन कोशिश की जाए कि आपको अपनी ईमेल आईडी डाली जाए, यहाँ पे आईएफएससी कोड है आपका, अकाउंट नंबर, और बैंक का नाम जब आप लिखेंगे तो आपने THE द जम्मू एंड एंड को AND पूरा लिखना है, द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, ये तो एरर दिखाएगा आपको वहां पे। और जैसे स्टेट का नाम है तो स्टेट का नाम पे भी आपने पूरा लिखना है, जम्मू एंड कश्मीर AND करके पूरा, वो भी लिखना है आपने पूरा, नहीं तो जब आप उसको अपलोड करेंगे आपको एरर दिखाएगा, ठीक है। मैंने एक टेम्पलेट भर दिया, अब मैं उसको अपलोड करता हूँ। तो अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है, चूज फाइल करना है, जैसे मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ से फाइल, ये मेरी फाइल है, इसको ऊपर, और यहाँ से इसको अपलोड कर देंगे। अब ये यहाँ पे बता रहा है फाइल अपलोड सक्सेसफुली, टू चेक अपडेट स्टेटस क्लिक ऑन रिफ्रेश अपलोड हिस्ट्री बटन, ओके कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको रिफ्रेश करते रहना है, ये इसको चेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको टोटल रिकॉर्ड्स 3, वैलिड रिकॉर्ड्स 3 हो गए। अगर अगर यहाँ पे एरर होता है, यहाँ पे आपको इनवैलिड दिखाता है, इसका मतलब ये मेरा रिकॉर्ड ठीक है, इसने पकड़ लिया। यहाँ पे एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, ओके डन। अब आपने यहाँ से क्या करना है, फिर आपने जाना है मास्टर्स में, वेंडर्स में, और वेंडर्स में आपने मैनेज में देखना है। मैनेज में आप जब देखोगे
तो ये जो आपने नाम चढ़ाए, ये तीन के तीन नाम यहाँ पे आने चाहिए। और आपने देखना है बैंक स्टेटस। बैंक स्टेटस अभी आपको पेंडिंग दिखा रहा है, और पेंडिंग दिखाने के बाद आपको कोई 1 या 2 घंटे के बाद दिखाएगा सेंट टू बैंक। फिर जब वहां से वेरीफाई हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये वेरीफाई हमने कर दिया है। तो ये वीडियो थी रिगार्डिंग इसके कि आपने कैसे वेंडर्स को अपलोड करना है। आपने इसमें PFMS में आपने कैसे वेंडर्स को अपलोड करना है। तो अब हमने पेमेंट करनी है। जब ये बैंक से जब ये हो जाएगा, उसके बाद हम पेमेंट कैसे करनी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज आज के लिए इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल RB Educare को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।